अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन कचौरी की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल बाहर जैसी क्रिस्पी बनती है। मैं आपके साथ फुल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, किस तरह इसकी डो बनती है, कैसे इसमें लेयर्स आती हैं और किस तरह इसकी फिलिंग तैयार होगी, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले 2 कप मैदा लेना है, इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, 2 पिंच अजवाइन ऐड करनी है, 3 टेबल स्पून घी ऐड करना है। घी को पहले मेल्ट कर लिया था, उसके बाद मेजर किया है। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अब इसकी एक डो बनानी है, वाटर ऐड कर देंगे जितना इसमें रिक्वायर्ड हो। अब एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे, इसकी ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। डो बन चुकी है, आप चेक कर सकते हैं कितनी सॉफ्ट है ये। अब इसे कवर करके रख देंगे 30 मिनट के लिए, जब तक चिकन की फिलिंग तैयार करनी है। एक पैन लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है, 1 मीडियम साइज़ की अनियन चॉप कर ली थी वो ऐड कर देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है 1 टेबल स्पून, चिकन ऐड कर देंगे 1 कप, 250 ग्राम है ये, इसको बॉईल कर लिया था पहले। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करनी है 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिली ऐड करनी है 3 टेबल स्पून, कोरिएंडर और ज़ीरा ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड करना है। अब इन सबको कुक कर लेंगे। अब इसमें वाटर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ताकि स्पाइसेस जले नहीं। अब इसमें चेडर एंड मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है 2 टेबल स्पून, चीज़ को मेल्ट कर लेना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कचौरी का। चीज़ मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें कोरिएंडर स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए रखना है, ये कुक हो चुका है। अब इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, मिक्स कर लेंगे। 4 टेबल स्पून घी लेना है, इसमें 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, इसका एक पेस्ट बनाना है। अब इसे मिक्स कर लेंगे, इससे लेयर बहुत अच्छी बनती हैं इसको लगाने से। एक स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है, अब हम इसे साइड पे रख देंगे। डो चेक कर लेते हैं 30 मिनट बाद, डो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब फ्लावर स्प्रिंकल करेंगे और इसे रोटी की तरह बेल लेना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है जिस तरह रोटी बेलते हैं, एज इट इज़ वैसे ही बेलना है। सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, टैप कर लेंगे। अब इसे नाइफ से कट कर लेंगे, 4 पीस में इसे कट कर लेना है, 4 पीस में कट कर लिया है। अब 1 by 1 इसके पेड़े बनाने हैं राउंड शेप में। 2 कप मैदे में 4 कचौरियां बन जाती हैं। अब इसे बेल लेंगे, राउंड में ही बेलना है इसको। अब इसमें पेस्ट अप्लाई कर देंगे जो अभी हमने बनाया था, बिल्कुल ठीक से अप्लाई करना है। अब इसमें स्प्रिंकल कर देंगे कॉर्नफ्लोर, अगेन वही स्टेप करना है, इसे फोल्ड करने के बाद वापस अप्लाई करना है। पेस्ट अप्लाई करते जाएंगे, इसे फोल्ड करते जाएंगे, फ्लावर स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे बेल लेना है, आप भी सेम स्टेप फॉलो कीजिएगा। अब इसे राउंड में ट्विस्ट करते जाएंगे, इस तरह लेयर बहुत अच्छी बनती हैं, बिल्कुल बाहर जैसी परफेक्ट। अब इसी तरह सारे पेड़े बना लेने हैं, लेयर लगाते जाएंगे और पेड़े बनाते जाएंगे। पेड़े बन चुके हैं, अब हम इसे साइड पर रख देंगे रेस्ट होने के लिए। चिकन की फिलिंग ठंडी हो चुकी है, चेडर एंड मोज़रेला चीज़ ली है। अब एक पेड़ा लेंगे, इसे राउंड शेप में बेल लेना है, बिल्कुल लाइट हैंड से बेलना है क्योंकि हमने इसमें लेयर दी हैं वो खुल सकती हैं, तो इसलिए बिल्कुल लाइट हैंड से इसे बेलते जाना है राउंड शेप में, प्रॉपर राउंड शेप होना चाहिए। सेंटर से थोड़ा थिक रखना है, साइड से पतला होना चाहिए, टैप कर लेंगे। अब इसमें चिकन की फिलिंग ऐड कर देंगे, इसको ठंडा कर लिया था पहले, मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल सही रहती है वरना फट सकती है कचौरी। इसमें चेडर चीज़ ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। अब इसे पंच कर लेंगे,
सारी साइड्स बिल्कुल प्रॉपर इसकी बंद कर लेनी है क्योंकि ऑयल इसमें चला जाएगा। अब इसे ट्विस्ट करते जाएंगे, राउंड शेप में कचौरी बनानी है। टैप करते जाएंगे, बिल्कुल लाइट हैंड से बनाना है। अब जो एक्स्ट्रा इसका फ्लावर होगा वो रिमूव कर देंगे। अब इसी तरह सारी कचौरियाँ बना लेनी है हमने। सारी कचौरियाँ बन चुकी हैं, ऑयल को गरम कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे कचौरी जो अभी हमने बनाई थी। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। इसे फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि ये लो फ्लेम पे फ्राई होती है, अंदर तक इसको फ्राई करना होता है। 15 से 20 मिनट लगे हैं इसे फ्राई होने में। कचौरी फ्राई हो चुकी है, ऑयल इसका ड्रेन कर लेंगे। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आई होप आपको कचौरी की रेसिपी ज़रूर समझ आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको तोड़ के चेक करवा देती हूँ कचौरी कितनी क्रिस्पी बनी है। आप इसकी आवाज़ चेक कर सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हुई है ये। तोड़ के चेक करवा देती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बाहर जैसी कचौरी बन चुकी है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।